नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। खुशखबरी है कि GFMS पोर्टल की बड़ी न्यूज आ गई यहाँ पर कि GFMS पोर्टल पर पैनल और टेट अपडेट करने की डेट बढ़ गई है। अब GFMS पोर्टल के सारे काम, चाहे पैनल लॉक करना हो चाहे टेट अपडेट करना हो, अब इस दिन तक होंगे। किस दिन तक होंगे, चले आपको आज का हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं GFMS पोर्टल गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर। यहाँ पर देख सकते हैं अस्थित शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करने विषय 15 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, सर्वर डाउन भी हो गया था तो नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देख जैसे क्लिक करते हैं हम, इस प्रकार से आता है यह सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए आता है। देख सकते हैं 15 मार्च को जारी हुआ है, 282 KB सर्कुलर है। इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे हम ओपन करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार आता है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल दिनांक 15 मार्च 2024, समस्त संभागीय समायुक्त, संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार, हाई स्कूल हो चाहे हायर सेकेंडरी हो, अतिथि विषय अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करने विषय संचालनालय का पत्र क्रमांक है। संदर्भित में पत्र में GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा जानकारी दर्ज कर संकुल प्राचार्य से सत्यापन दिनांक 16/3/2024 तक करने के निर्देश दिए गए थे। पहले उक्त कार्यवाही है तो आवेदक दर्ज जानकारी में संशोधन तथा संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन की कार्यवाही में दिनांक 26 मार्च 2024 तक की वृद्धि की जाती है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। संदर्भित पत्र संलग्न है, देख सकते हैं धर्मेंद्र शर्मा, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, 15 मार्च। यहाँ पर प्रतिलिपि भी दिया गया है सभी को, माननीय शिक्षा मंत्री को दिया गया है, प्रमुख सचिव को, राज्य संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, सभी को दे दिया गया है। इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा GFMS पोर्टल पर टेट अपडेट करने का या फिर पैनल लॉक करने का जो डेट थी वो सीधे बढ़ चुकी है। अब हम अपना 26 तारीख तक, कितने तारीख तक, यहाँ पर देख सकते हैं 26 तारीख यानी 26 मार्च तक हम अपना GFMS पोर्टल पर आराम से पैनल लॉक करेंगे और अपनी टेट की जानकारी भर के वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो अब निश्चिंत होकर थोड़ा आराम से देख के काम करिए, कोई गलती न करें। गलती होने पर सुधारने के लिए परेशानी होना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर जरूर करें।